बोलो अमरूद भी हैं। चलो आ जाओ हाँ चलो जल्दी आओ। और लड़ लुड़ के आया कैसे? ये उन दो सामने जो दो जा रहे हैं उनकी मार यहाँ पे मगर है रोड के बगल में ये पार्टनर है एक दूसरे का पकड़ रहते नहीं हम ए, अभी वही जो मैंने आपको दिखाया था बारिश के मौसम में और अभी देखिए कितना डिफरेंस है। यही है ग्रेट निकोबार का खासियत और अंडमान का खासियत भी है कि अचानक से बारिश आ जाएगा अचानक से मौसम चेंज हो जाएगा मस्त मौसम हो गया ना। थोड़े दिन पहले मैं पोर्ट विलर से ग्रेट निकोबार आ गया था देखिए प्लेन भी फ्लाई कर रहा है तो यहाँ आ गया था बस जो आने का वीडियो मैं दिखाया नहीं कुछ दिखाने का कुछ खास नहीं था मेरा हाथ में बहुत लगेज था तो इसलिए मैंने वो सारा वीडियो दिखाया नहीं। तो अभी मैं ग्रेट निकोबार में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि एक विलेज में लाइफ ग्रेट निकोबार का विलेज में लाइफ कैसा होता है। चलिए आप इस वीडियो में बहुत कुछ देखने मिलेगा जो विलेज से रिलेटेड है और खेती बाड़ी से रिलेटेड है तो बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। और इस तरह का वीडियो मेरा पहला है फुल लाइफ स्टाइल वीडियो दिखाने वाला ब्लॉगिंग करने वाला हूँ पता नहीं कैसा होगा। चलिए आप लोग भी देखिए मैं आप लोग दिखाता हूँ। हाय गुड मॉर्निंग तो आज मेरा सुबह हो गया आज सुबह में खाने को मिला है बहुत ही सारा फ्रूट्स देख सकते हो सब एकदम नेचुरल है बिना खाद का और बहुत ही मज़ा आने वाला है आज का नाश्ता ब्रेकफास्ट बहुत ही फ्रूट वाला ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं चलिए मैं आपको खा के दिखाता हूँ। पहले अनारस खाते हैं पाइनएप्पल वाह ऑसम और मेरा पपीता आ नहीं रहा है पपीता अमरूद भी है दे बहुत ही ऑसम ब्रेकफास्ट होने वाला है। चलिए मैं मज़ा करता हूँ आप लोग भी मज़ा करिए। एकदम हो गया बहुत ही मज़ा वाला था इतना पेट भर गया कि बहुत सारा बच गया मैं खा नहीं पाया तो बस अभी थोड़ा देर में ऐसे राउंड वाउंड मारना है बगीचा का बस यही चलता है ऐसे ही लाइफ है यहाँ पे गांव वाला लाइफ है ना यहाँ पे कुछ कहीं पे छाया आ जाता है कहीं पे लाइट आ जाता है उस हिसाब से करना सेट करना पड़ता है इस गोप्रो को उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही बकवास है गोप्रो ऑटोमेटिक इसका बहुत ही बकवास है सच में बहुत ही बोरिंग है। चलो जाके देखते हैं थोड़ा सा निकला हो घूमने के लिए बस ऐसे ये झोपड़ी है हमें कुछ मतलब सामान वगैरह रखते हैं ये गोरी फिर चलिए आगे बढ़ते हैं कि थोड़ा एंजॉय मज़ा करते हैं। यहाँ पे अमरूद पेड़ देख सकते हो और यहाँ पे पपीता पेड़ ढाक हम लोगों ने ढाक के इसलिए रखा कि बहुत लोग यहाँ से आते जाते हैं उनका नज़र यहाँ पे पड़ जाता है वो तोड़ लेते हैं या तो पूछ लेते हैं उनसे बचाने के लिए हमने ऐसा रखा है। लाइट यहाँ से आ रहा तो इसलिए क्लियर है और ये पीछे साइड से नहीं आता बहुत ही बकवास आता सच में आज कुछ ज़्यादा ही गंदा है पानी देखिए मगर इसमें हो सकता है बिल्कुल क्यों नहीं सकता है। तो हमारे यहाँ जो गाय के बच्चे हैं जो बाहर रहते हैं उनको भी गेट के अंदर घुसाना है। अब यहाँ के बहुत चरेंगे अपना खाएंगे फिर शाम को चले जाएंगे सुबह होते संग फिर आ जाएंगे तो लेट हो गया खोलने में तो अभी मैं जा रहा हूँ उन्हें अंदर कर दें। तो देख सकते हो यहाँ पे मगर है रोड के बगल में देख लो मैं अभी जा रहा हूँ कुछ ज़्यादा ही फर्क है यहाँ पर मट्टी हम लोग ने डाला है अपना काट के फिर तो यहाँ तक नाला आ गया था। चलिए इन सबको अंदर करते हैं सो ये साइड में छोटा सा पुल भी है देखिए तो सब खड़े हैं अंदर आने के लिए चलो चलो आ जाओ हाँ चलो जल्दी आओ चलो टाइम वेस्ट मत करो चल डब्बी चल चल इसका नाम है डब्बू क्योंकि इसकी माँ की नाम है डब्बी और ये अभी आ रहा है इसका नाम वीरू है और ये कालू और लड़ लुड़ के आया कहीं से ये उन दो सामने जो दो जा रहे हैं उनकी माँ डब्बी चलो आओ डब्बी डब्बी अरे ये डब्बी तो ये रोड है यहाँ का मेरे यहाँ का
ये ले। तो ये गेट से अभी बंद करना है। चलिए घर वापस चलते हैं, उनको तो अंदर कर दिया, वो अपने अपने जा रहे हैं अपने घास खाने के लिए। तो ये देखो पेड़ एक ऐसा है, नीचे गिर भी सकते हैं तो वो मगर भी हो सकता है। मैं हिल रहा हूँ, मेरा बैलेंस बिगड़ रहा है, तो चलिए मैं वापस चलता हूँ। बैलेंस बिगड़ेगा नीचे गिरेगा, अगर मगर होगा तो मुझे खा लेगा। इसमें भी मगर खा के इधर में भी कभी कभी सोता है। तो चलिए, मेरा वॉइस अब तक बहुत लो था, अभी मैं ज़ोर से बोलूँगा। बहुत दिन से ब्लॉगिंग नहीं किया ना, तो भूल गया कि कैसे कब कितना वॉइस निकालना है। तो कुछ टाइम पे इस GoPro Hero 9 पे क्या होता है कि वॉइस जब कैमरा सामने फ्रंट मेरे को फेस करता है तो वॉइस अच्छे से कैप्चर हो जाता है। जैसे मैं ऐसा करके घुमा के बात करता हूँ तो वॉइस पूरा डाउन हो जाता है, तो उस टाइम मुझे ज़्यादा करना चाहिए, ये मैं भूल जाता हूँ। तब जा रहे हैं, देखिए यहाँ पंचायत वाले ने यहाँ पे लगाया है स्ट्रीट लाइट सोलार वाला, मतलब ये वो इसलिए कि हम कुछ कर रहे हैं वो दिखाने के लिए। शाम को जल जाता है, सुबह पूछ जाता है, सूरज भी थोड़ा सा दिख रहा है। बारिश का बहुत ख़राब मौसम है इसलिए बारिश आने वाला, देख सकते हो। ये हमारा खेती बहुत ही लाइट ग्रीन कलर में मस्त लग रहे हैं। हर अभी हाँ बोलो, ये है इसका बच्चा वीरू, हाय बोलो। चलो दो अपना खाना खा रहे, दोनों पार्टनर हैं, एक दूसरे का बगैर रहते नहीं है कहीं भी। देखते बगीचा शाम को जाएंगे, कल ही तो गया था वहाँ पे, वीडियो बना चुका हूँ तो शायद वो आप लोग दिखे नहीं दिखेगा, वो पता नहीं मैं अपलोड करूँगा नहीं करूँगा, उससे उस हिसाब से मैंने कल बना लिया। चलो चलिए वापस चलते हैं, अब बारिश भी आने वाला है, वहाँ पे जाके देखते हैं कि वीडियो कैसा आया। आज का दिन मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, ये इस तरह का पहला ब्लॉगिंग है फुल डे कैप्चर करना, मैं क्या क्या कर रहा हूँ देखते हैं फ़ोन में जाके कैसा चलता है। और ये 1080p में है, इससे पहले मैं 4K पे ही ज़्यादा रिकॉर्ड करता था या तो 2.7K में जाके। आप अभी देख सकते हो कि मौसम अचानक से कितना चेंज हो गया, बस एक घंटे के बाद का ही मौसम है। देखो क्या मस्त, ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन से खतरनाक धूप चल रहा है। देखो कितना मस्त मौसम हो गया ना, एकदम ब्लू ब्लू स्काई, बहुत ही मस्त वाला मौसम हो गया। चलिए एक राउंड बगीचा ही मार के आते हैं। आप लोग देख सकते हो आसमान बहुत ही प्यारा लग रहा है, एकदम अचानक से चेंज वाला मौसम है। अभी वही जो मैंने आपको दिखाया था बारिश के मौसम में, और अभी देखिए कितना डिफरेंस है और कितना प्यारा लग रहा है, वही जगह मस्त। दरअसल यही लाइफ है यहाँ पे इस तरह वाला, लेकिन बारिश आते थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट हो जाता है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, मस्त व्यू है अभी। तो मैं अभी अपना बगीचा जा रहा हूँ, यहाँ पे जाने के लिए इसको पार करना पड़ता है, इसमें क्रोकोडाइल भी है। तो मैं हो गया पार, चलिए यहाँ चलते हैं, ये मेरा बगीचा है ठीक है। मैं हम कुछ कुछ गाढ़ा करते हैं, चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। आपने डालडा का नाम सुना होगा, डालडा से जो घी बनाते हैं, ये उसका पेड़ है। देखिए इसमें डालडा लगा हुआ भी है, लेकिन आपको शायद क्लियर ना दिख रहा हो, काला काला फल है। ओ दे क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, ये उसका पेड़ है। बस बहुत सारा इस तरह पार करके जाना पड़ता है, यहाँ पे और एक एक है। तो यहाँ पे ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये लौंग जो बोलते हैं उसका पेड़ है, अभी तो फला हुआ नहीं है, ये उसका पेड़ है। आपको कैसे मालूम चलेगा कुछ पेड़ के बारे में, कभी भी उसका पत्ती तोड़ दीजिए, उसे सूंघ के देखिए, नहीं होने से चबाने से आपको मालूम चलेगा, लेकिन हर पत्ती को आप नहीं चबा सकते, ये भी याद रखना आप। यहाँ पे केला पेड़ भी है, यहाँ पे दालचीनी पेड़, सुपारी पेड़ है कुछ कुछ जगह, और डाब पेड़ है, मतलब नारियल का पेड़ है, डाब पेड़ तो यहाँ कहा जाता है। ये छोटा सा झोपड़ा कुछ कुछ रखे हैं काम का सामान। तो ये मेरा बगीचा है, मैं सोच रहा हूँ वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं।
और ज़्यादा लंबा हो जाए नहीं तो बगीचा। अगर आपको मेरा आपको यहाँ का और वीडियो देखने तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर करो, जितना ज़्यादा व्यूज़ आएगा मैं और डालूँगा इस तरह लाइफ के बारे में। नहीं तो नहीं, ये मेरा पहला वीडियो शायद आखिरी हो जाए।